गंदा हो गया है मैम, सिस्टम को करप्ट कर गया। इसका कार्यकर्ता वार्ड मगर रहती है, मगर तो कभी कभी आज बताएंगे तो ज्यादा। नमस्कार, मैं हूँ विजय लाल मरकाम। लगातार जो है कि अभी देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टिंग होती है, और यहाँ पे जो अभी लगातार शिक्षा व्यवस्था की जो पोल देख ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी, उसका भी हकीकत मैं दिखाने का एक बार प्रयास करता हूँ कि ये मेरे सामने जो है आंगनबाड़ी केंद्र बिशनपुरा महादेवपुर, और ये मेरे सामने जो देख पा रहे हैं अभी समय जो है कि 12:15 बज चुका है, लेकिन ताला यहाँ पे लटका है। यहाँ पे ना सहायिका का ठिकाना है और ना ही कार्यकर्ता का। वजह क्या है, कारण क्या है, ये तो आप लगातार देख पा रहे होंगे और समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि इस देश में ना पढ़े लिखे बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे आज लड़के या बेरोजगार पड़े हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को नौकरी दे के शायद सरकार भूल कर दी है। लगातार हम इसको उजागर करते हैं, लेकिन अधिकारियों की साठगांठ कहें या फिर इनकी सिस्टम की लचर व्यवस्था, लगातार हम उसको ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि ये आंगनबाड़ी भवन क्यों बंद है, कारण क्या है। चाचा, घर कहाँ है आपका? ये का ही घर। और कौन से गांव है? बिशनपुरा महादेव। बिशनपुरा, ये का है ये सामने आपका आंगनबाड़ी? कैसे ताला वाला कैसे बंद है? आप पता नहीं सर कैसे ताला बंद करते हैं, हम लोग कितना शासन कर देते हैं कि खोलो तो खोलो, नहीं तो आप लोग रिटायर हो जाओ। लेकिन हम लोग क्या करें, इतना ही बोल पाते हैं, इसे दूसरे तो करने का हम पर अधिकारी नहीं है। मतलब कभी नहीं खुलता है ताला? कभी नहीं खुलता है। बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते आते हैं, देखते हैं, फिर वापस ही चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कार्यकर्ता यहाँ कार्यकर्ता नहीं आती कि सहायिका नहीं आते? कौन नहीं? दोनों नहीं आती। दोनों नहीं? मतलब बच्चे लोग को यहाँ पे आंगनबाड़ी मतलब कोई आया नहीं अभी? नहीं नहीं। आंगनबाड़ी भवन कब बना है, कितने साल पहले? पाँच साल। हाँ। मतलब 5 साल में आंगनबाड़ी भवन लगातार बंद रहा? हाँ, बंद रहा। अब बच्चे लोग कहाँ जाते हैं अभी आपके? यह रहते हैं, खेल कूद करते हैं, वो कहाँ? नहीं, अभी आंगनबाड़ी जैसे कि आपको पौष्टिक आहार वगैरह जैसे दाल सतुआ जो मिलता था पहले, वो चीजें कैसे वितरण होता है? नहीं, कभी आता है वही बांटने के लिए। अच्छा, कभी कभार? हाँ, कभी कभार। अभी मिल रहा है? अभी तो हाँ, आज मंगल है ना, आज तो आना चाहिए, आज मिलेगा सतुआ तो यही तो मिलता है। क्या क्या बोलेंगे ऐसे कार्यकर्ताओं की, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें, अधिकारियों की कि किसकी लापरवाही इसमें है? इनके सरकारी नौकरी ही वाला सो गलती है, हम लोग लड़का भेजबे करते हैं, लड़का लोग वापसी चल जाते हैं, भाई आप नहीं पाते हैं तो क्या करें। हाँ, क्या नाम है आपका? दलवीर। दलवीर, ये हैं दलवीर। और जो दलवीर जी जो बता रहे हैं कि यहाँ जो है कि आंगनबाड़ी बन गया, यहाँ पे सारा चीज़ हो गया, यहाँ कार्यकर्ता भी नियुक्ति हो गया, सहायिका भी नियुक्ति हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है कि स्कूल खुल ही नहीं पा रहा, आखिर क्यों? लगातार हम उनसे सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत भी क्यों होता है, इस तस्वीरें को आप समझने का प्रयास करिएगा। और अभी मैं पुनः फिर उनको मैं फ़ोन करने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, आप जान चुके हैं कि ग्राउंड जीरो में पहुंच गए हैं तो वो फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं पे और ऐसे सहायकों पे कब तक लगाम लगेगी जो है कि समय का ख्याल रखेंगे, ये तो शायद समय ही बता पाएगा। और लगातार हम जो है कि आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है। यहाँ पे मेरे साथ दो महिलाएं भी आ चुके हैं, शायद उनसे कुछ मैं चर्चा कर लूँ। चाची, कहाँ घर यही है? कहाँ नाम है आपका? फुलझरिया। थोड़ा सा इधर दिखिए, इधर फुलझरिया। कैसे बच्चा मन कैसे रखे, आंगनबाड़ी नहीं आते क्या? आंगनबाड़ी के नाल है। अच्छा, आंगनबाड़ी है इन्हें। हाँ। तो आंगनबाड़ी कैसे बंद है? खुलबे नहीं करे तो। नहीं खुले? नहीं। कभी नहीं खुले? हाँ। तो कैसे अमन के सतुआ उतुआ फिर पौष्टिक भोजन कैसे मिलते? तो हमारे स्कूल में बनाती खाना तो ये खाए के जाते हैं। अच्छा, मतलब ये आंगनबाड़ी आती है लेकिन स्कूल का खाना खा के जाते हैं? हाँ। यहाँ नहीं मतलब मिलता है? नहीं। वाह, देखिए ये मासूम सा, मैं पुनः बोलूंगा कि दिखाएं, ये बच्ची है,
और ये आंगनबाड़ी आती है, लेकिन आंगनबाड़ी ना खोलने के बावजूद इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का भोजन करा के भेज देते हैं। बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। और शायद जो है कि यहाँ की अधिकारी का भी संज्ञान लेंगे। यही लगातार हम समझने का और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सब अधिकारी अधिकारी आप सभी से मैं यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसमें जरूर बताएंगे अपनी अपनी प्रतिक्रिया कि आखिर ऐसे कार्यकर्ताओं पे और सहायकों पे किस प्रकार की कार्यवाही किया जाए ताकि ये लगातार सिस्टम को सुधारने में प्रयास रहे। नमस्कार, तब तक देखते रहिए टीपी न्यूज, विजयलाल मरकाम, बलरामपुर।